हर बंदा जिंदगी में आगे से आगे बढ़ना चाहता है, नया से नया ट्राई करना चाहता है, पुरानी चीजों को छोड़ के नई चीजों की तरफ आना चाहता है। जस्ट लाइक दैट मैं अपना पुराना लेंस 75x300 सेल आउट करने जा रहा हूँ। इसके बदले मैं लूंगा 11x35 या 18x85mm लेंस 1.8 कम से कम, ताकि हमारा B-roll सीक्वेंस में और इंप्रूवमेंट हो सके। तो खैर जी, इसके अंदर भी कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट लाइक दैट आपको पता है मैं फोटोज वगैरह इतनी बनाता नहीं, अगर तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नहीं करो तो कर लो भाई, सुबह नहीं लिया। फोटोज वगैरह हम इतनी बनाते नहीं है, B-rolls का हमें ज्यादा शिशका चाहिए, तो इसको हमें देना पड़ेगा। इसके साथ जो पैसे आएंगे उसमें हम और पैसे डालेंगे तो हम लेंगे लेंस। ये बिल्कुल ना सोचना कि इसको सेल आउट करने के बाद इतना पैसा आ जाएगा कि मैं तो बंगले बना लूंगा, इसका कुछ भी नहीं मिलना। बट अच्छी प्राइस मिल रही थी तो मैंने कहा चलो दे देते हैं, इसके साथ और पैसे डाल के हम अच्छा सा लेंस ले लेते हैं। ये कहानी बड़ी पुरानी सुना रहा हूँ आपको, बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बात हो रही थी 1.8 और एक अच्छे लेंस की, और हमारा जो बजट चल रहा था वो थोड़ा सा कम पड़ रहा था। इतने बजट में f/1.8 के लेंस के ख्वाब देखना तो भूल जाओ भाई, मार्केट जाके पता चल गया था। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लेके आए हैं 28mm 1.8। मैं चाह रहा था कि मुझे 1.8 मिले ताकि हमारा B-roll सीक्वेंस अच्छा हो जाए। ये है फुल फ्रेम लेंस, बट मेरे पास है क्रॉप बॉडी, बट इंशाल्लाह सून हम ले लेंगे एक अच्छा सा कैमरा। दुआओं में याद रखा करें, माशाल्लाह बोला करें। तो बस, और अगर तो आप सोचते हैं कि भाईजान कहाँ पे बिजी हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो थोड़ा सा बिजी हूँ, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अब बारी आ जाती है इसको टेस्ट करने की, इसके पैसे वसूल करने की। तो एज ऑलवेज शिशका इज कंपल्सरी फॉर मी, तो हाजिर है। ख़वातीनों हज़रात, हम इस टाइम आ चुके हैं बिल्कुल रिंग रोड के साथ। अब्दुल भाई बैक टू द कैमरा होंगे जो कि हमारी वीडियो बनाएंगे। जो मंदिर गुफ्तगु कर रहे थे इनकी बकवास को छोड़े। खैर अभी बात यह है कि अब्दुल साहब अपना 28mm 1.8 लेंस अभी सेटअप कर रहे हैं और हमारा शूट स्टार्ट हो गया। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel